नियोजित शिक्षक मांगने पर तेजस्वी यादव ने बिहार के शिक्षकों से ये वादा किया है कि अगर सूबे में उनकी सरकार बनती है तो वे सारे शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन दिलवाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को कटघरे में लेते हुए कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। क्या कहेंगे? ऐसे मैं समाचार पत्रों में देखा हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया करते हैं, फैसला अब उस पर सरकार देखेगी आगे क्या करना है। लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐलान किया उनकी सरकार बनेगी तो समान वेतन उनका ख्याल रखेंगे और समान काम का समान वेतन देंगे। हम तेजस्वी से पूछना चाहेंगे, सरकार में थे, सरकार में रहते क्यों नहीं करा पाया जाकर, रुका था उनको, सरकार में रहते ध्यान नहीं दिया। अब देख रहे हैं चुनाव का वक्त है तो झूठा आश्वासन दे रहे हैं जाकर, जब भी करेंगे सरकार ही करेगी जाकर, सरकार की सहानुभूति शिक्षकों के साथ हमारी है जाकर। लेकिन अब क्या फैसला है तो अध्ययन किया जाएगा और आगे इसको विचार किया क्या न्यूज। इस मामले में हम सबों की सहानुभूति है और मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में था और उच्चतम न्यायालय का प्रतिष्ठा हम देख रहे हैं, फैसला आ गया है। अब फैसले को देखा जाएगा किस तरह का फैसला आया है। और अभी तो मान लेते हैं कि आचार संहिता भी लागू जाकर और कुछ ऐलान भी घोषणा किया जा सकता है जाकर, जब भी होगा अब चुनाव के बाद ही इस पर सरकार देखेगी क्या फैसला मुताबिक, मतलब कि अंदर ही सरकार मन बना चुकी है कुछ करने के लिए नियोजित शिक्षकों के लिए। ऐसे अभी तो कह तो रहे कि आचार संहिता कुछ कहना मतलब जाकर तो घेरे में आएगा मामला जाकर, क्यों माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है और फैसले को समीक्षा करने की जरूरत है, क्या उनका स्टैंड है, क्या उनका सुझाव है, क्या डायरेक्शन जाकर सरकार को देखेगी। नहीं लगता कहीं ना कहीं बोर्ड पे कहीं ना कहीं इसका असर जो है बोर्ड पे भी पड़ेगा नियोजित शिक्षकों का? ऐसे बिहार में मैं 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 6 चरण का कल चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि पूरे राज्य में मैं करीब 32 लोकसभा क्षेत्र में मैं गाड़ी से भी गया हूँ, रेल से भी गया हूँ और हेलीकॉप्टर से, तो ग्राउंड पर हकीकत यही है कि आम जनता चाह रही है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने जाकर, उनके पक्ष में एक मतलब सुनामी और लहर है जाकर। और ऐसा इसलिए है कि 5 वर्षों में गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान सबकी चिंता उन्होंने की, जो कि 55 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, ये नरेंद्र मोदी की सफलता 5 वर्षों की जा करती है और उसको लेकर के एक हवा बना है पूरे देश के अंदर में भी आ रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव यह सब चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव का इस पर क्या जवाब आता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, कैमरा पर्सन राजतिलक के साथ मैं अंशु, हेडलाइंस बिहार।